राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं अभी जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ना कहाँ से है, प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करनी है, बिगिनर लेवल पे हो गया या जो मिड में है, 40-50% जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है वो हो गया, या जो एक दो बार प्रीलिम्स दे चुके हैं वैसे एस्पिरेंट हो गए, तो पढ़ना कैसे है, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, और जो बचे अभी दिन है फेब मार्च और थोड़ा अप्रैल, तो उसमें हमें कैसे क्या अपनी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी कि मैं इस पर वीडियो लेके आऊँगी। तो बात ऐसी है कि अगर ये सारा एक वीडियो में बनाने जाए तो वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में लेके आऊँगी जिसमें मैं अपनी भी स्ट्रेटेजी शेयर करूँगी आप लोगों से, जो कि मेरी मॉडिफाइड स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मेरा जो मेन मैंने टाइम टेबल बनाया था जिसको मैं सीरियसली फॉलो भी कर रही थी वो 3 जनवरी वाला था, जो मैंने पिछले व्लॉग में आपसे शेयर भी किया है, पर अभी ये सिलेबस चेंज हो गया तो इसलिए मुझे फिर से एनालाइज करना पड़ा। बाकी जो पढ़ाई हुई है तो वो लॉस तो नहीं है, वो जो एक बार आपने पढ़ लिया है वो तो आपको मतलब प्लस पॉइंट ही है आपके लिए, तो उस चीज़ जो अभी हो चुका है उसको आप छोड़ दीजिए और जो नया आप सिलेबस है उस पर अब हम ध्यान देते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स में मैं ये सीरीज़ पूरी लेके आऊँगी कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस में चेंजेस आए हैं और हमारी प्रीलिम्स 2024 के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि ये जो अभी नया सिलेबस आया है उसमें चेंजेस क्या क्या हुए हैं ओल्ड सिलेबस के कंपैरिजन में, और उसको कहाँ कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। तो जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये पहला यूनिट मैंने लिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इसमें जो पहला टॉपिक है उसको YT जो मैंने लिखा है वो YouTube से, या फिर जो PDF टेलीग्राम पे चलेगी, एक दो PDF मेरे पास भी आई हुई है, तो उसको वहाँ से पढ़ना है। और इसकी किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स आ जाते हैं तो वो जो बुक स्टोर से उस पर अवेलेबल हो जाएंगे, और नहीं अगर होते हैं तो उसको हम PDF से या YouTube पे जो वीडियोस आएंगे कोचिंग वालों के उनसे पढ़ेंगे। सेकेंड वाला जो टॉपिक है जिसमें मैंने ओल्ड लिखा है, मतलब कि ये पुराने सिलेबस जैसा ही है, उसको लूसेंट से पढ़ना है। जो थर्ड टॉपिक है उसको भी PDF जो आएगी या जो भी नोट्स शेयर होंगे टेलीग्राम पर उससे पढ़ना है। और फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स जो है वो ओल्ड ही टॉपिक है, वो लूसेंट में जैसा का वैसा है उसको वैसे ही पढ़ना है। सो क्लियर है अभी फर्स्ट यूनिट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का कैसा है। इसमें सिर्फ जो टॉपिक 1 है वही काफ़ी एक बड़ा चेंज है, और उसके लिए हमको यूट्यूब पे, मैंने तो अभी देखा उसके वीडियोस आ चुके हैं, तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अब है यूनिट नंबर 2 हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ MP। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पुराना सिलेबस जैसा है वैसा ही है। तो जो हर टॉपिक के आगे मैंने MP GK लिखा हुआ है वो मेरी मुकेश महेश्वरी की जो बुक है, या आपकी जो भी परीक्षा धाम की हो गई, या कोई पुनेकर की पढ़ता है, या एक दो और जो फेमस है बर्नवाल वगैरह, तो जो आपके पास बुक है आप उससे पढ़िए। ये बिल्कुल जैसा का वैसा ही है, पुराने सिलेबस जैसा, इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत टॉपिक्स इधर के उधर हुए हैं, पर MP का जैसा का वैसा ही है। अब है यूनिट नंबर 3 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इसमें जो पहला टॉपिक है माउंटेन्स हिल्स प्लेट्यूज रिवर्स एंड लेक्स, वो लूसेंट से पढ़ना है। सेकंड वाला इन्होंने नया ऐड किया है जो एल नीनो लानिनो ये सब है, तो ये UPSC वाले जानते होंगे, उन्होंने पढ़ा होगा शायद, स्टेट वालों ने भी ये टॉपिक्स पढ़े हुए होंगे। तो एक्चुअली मैंने इसमें जी सी लियोंग लिखा है पर मुझे जी सी लियोंग में ये चीज़ दिखे नहीं, तो इसको गूगल से या यूट्यूब से आपको नोट्स इसके निकालने हैं। थर्ड टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज का, ये लूसेंट और यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा। फोर्थ भी सेम, और जो फिफ्थ टॉपिक है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो ये पुराना ही टॉपिक है, और उसके जो बात के लास्ट के 2 टॉपिक्स है वो NCERT या यूट्यूब गूगल पे मिल जाएगा। तो आपको ऐसा करना है कि टॉपिक वाइज इसको लेते जाना है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठे तो पहला टॉपिक उठाना है, वो जहाँ पर भी अवेलेबल है उससे पढ़ लो। जनरली जो सोर्सेज होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, आप एक सोर्स उठाओ उसको पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। अब है यूनिट नंबर 4 ज्योग्राफी ऑफ MP। ये पुराने जो सिलेबस है उसके जैसा ही है जो कि MP GK की बुक में दिया हुआ है, और इसमें जो मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ MP वाला पार्ट है वो अगर आपकी MP GK की बुक में आपको ज्योग्राफी के पार्ट में ना दिखे तो वो इकोनॉमिक्स के पार्ट में आपको मिल जाएगा, एक बार आप ठीक से देख लेना। ठीक है,
फिर जो इसमें फिफ्थ यूनिट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड एमपी। तो ये भी पुराने सिलेबस के जैसा ही है, इसमें लूसेंट और प्लस जो एलेक्स मैंने लिखा है वो लक्ष्मीकांत के लिए है, क्योंकि कुछ चुनिंदा टॉपिक जो है वो लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। और एमपी का जो पार्ट है, लास्ट के जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, वो अपने एमपी जीके के बुक में बहुत अच्छे से दिए हैं। और इसमें एक जो लास्ट टॉपिक है, गुड गवर्नेंस इन एमपी, गवर्नेंस सिस्टम ब्रैकेट में, तो ये हमको यूट्यूब या गूगल से इसको पढ़ना है, ठीक है। फिर आती है यूनिट नंबर 6, इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड एमपी। तो इसमें हर टॉपिक के आगे मैंने लिखा हुआ है गूगल नोट्स। तो एक्चुअली मुझे लूसेंट में भी इसके बारे में प्रॉपर जो डिटेल्स है वो मिल नहीं रही है, और जो एमपी जीके की भी बुक है उसमें भी ऐसा प्रॉपरली दिया हुआ नहीं है। लेकिन इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, अब जैसे ODOP वाला टॉपिक हो गया, तो उस पर ऑलरेडी टेलीग्राम पे बहुत अच्छे अच्छे नोट्स जो समराइज़ करके स्टूडेंट्स ने शेयर किए हुए हैं, वैसे नोट्स आ चुके हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप इधर उधर से PDF डाउनलोड करके ही पढ़ें। एज अ होल ये टॉपिक, ये यूनिट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको टॉपिक वाइज उठाए और वैसे ही पढ़े। जैसे लास्ट का है G20, SAARC, ASEAN, तो ये तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसके बारे में सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। फिर आता है यूनिट नंबर 7, साइंस एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। तो जो फर्स्ट टॉपिक है प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस, ये लूसेंट में आपको मिल जाएगा। फिर इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये भी पुराना है, उसके बाद वाला भी पुराना है, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर भी पुराना है, न्यूट्रिशन वाला भी पुराने सिलेबस जैसा ही है। और जो सिकल सेल अनीमिया वाला टॉपिक इसमें ऐड हुआ है वो आप लोगों को गूगल करके यूट्यूब पे या फिर PDF इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी हेल्थ पॉलिसीज़ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला एक नया आया है, तो आपको उसको यूट्यूब पे उसके या फिर UPSC वालों के नोट्स उसमें आपको आराम से मिल जाएंगे। बाकी जो लास्ट के दो टॉपिक है एनवायरमेंटल फैक्टर वाला और पॉल्यूशन वाला, तो वो आपको लूसेंट में मिल जाएगा एनवायरमेंट वाले सेक्शन में। फिर है यूनिट नंबर 8, इंटरनेशनल नेशनल एंड करंट इवेंट्स ऑफ एमपी। तो इसमें इंटरनेशनल वाली करंट अफेयर्स, नेशनल और एमपी की करंट अफेयर्स। तो इसमें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी मैं फॉलो करूँगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और एमपी के लिए मैं उत्कर्ष की जो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं ना, मैं वो फॉलो करूँगी। आपको इसमें जो अच्छा लगे, जिस भी सर का कम्फर्टेबल हो, आप उन्हें फॉलो कीजिए। 9th यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये पुराने जैसा ही है। तो इसके बस इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एक नया ऐड हुआ है, तो उसके बहुत सारे जो PDF है वो आपको गूगल पे आप डालोगे ना तो आपको मिल जाएंगे। एक कोई भी डाउनलोड कर लो जो आपको सही लग रहा हो और उसके क्वेश्चंस बनाओ। मेनली क्या है, हमको क्वेश्चंस ही आएंगे, तो उसके क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो। और बाकी जो है ICT वो तो पुराना ही है, रोबोटिक्स, AI, साइबर सिक्योरिटी, तो इसके भी आपको UPSC के या किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नोट्स जो है मिल जाएंगे, चाहे वो टेलीग्राम पे हो चाहे गूगल पे, किसी कोचिंग की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। अब रहता है यूनिट नंबर 10, जो कि इन्होंने अलग से अभी बना दिया है, ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें ये ध्यान देना कि पूरे इंडिया की ट्राइब्स के बारे में नहीं है, ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश ही है। हेरिटेज, फोक कल्चर एंड फोक लिटरेचर। तो इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम पे आ गई है, काफ़ी सारे जो चैनल्स है उस पे, और यूट्यूब पे भी मुझे वीडियोस दिखी है काफ़ी इंस्टीट्यूट्स की। तो कोई भी एक या कोई भी दो पकड़ के चलना है और उसी को पढ़ना है, उसी को रिवाइज करना है। तो आई होप मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज एंड यूनिट वाइज आप लोगों के ये डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे कि पढ़ना कहाँ कहाँ से है। अब बात यह है कि जो मैंने लिखा है ना कि नोट्स या फिर गूगल, तो आपको वो तो आपको खुद ही डाउनलोड करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि आप कौन से नोट्स पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरा ऐसा कोई टेलीग्राम पे चैनल नहीं है और मैंने भी फ़िलहाल सारे नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं। मैंने बस ये डिसाइड किया है कि ये चीज़ मुझे नोट्स से पढ़नी है। जब आप वो पढ़ने बैठेंगे तो ही आप देखना 4-5 इंस्टीट्यूट के डाउनलोड करिए कि आपको कौन सा फिजिबल और कौन सा इसमें अच्छा नोट्स लग रहे हैं, और उसी को आप पढ़ना, ठीक है। तो ये एक गाइडेंस के तौर पे लीजिए कि ऐसा ऐसा हमें पढ़ना चाहिए, और जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं।
और एक और बात मुझे ये शेयर करनी थी कि जब मैं ये बना रही थी ना, जब मैं देख रही थी कि क्या चेंजेस हुए और हमको कैसे क्या पढ़ना पड़ेगा, तो सबसे बड़ा तो मुझे शॉक ये लगा कि टाइम एक्चुअल में बहुत कम बचा है, क्योंकि फरवरी मार्च और अप्रैल तो मैंने नहीं पकड़ा था, जैसे मैंने पिछले भी वीडियोस में बताया है। तो फरवरी और मार्च का मैं अगर मिला के भी 50 दिन पकड़ती हूँ, कुछ दिन हमारे तो वेस्ट होते ही है, तो अगर 50 भी दिन पकड़ती हूँ और मेरे पास 10 यूनिट है, तो मेरे पास हर यूनिट के लिए 5 ही दिन है। और 5 दिन में अगर आप 10 घंटे बैठोगे, तब कहीं जाके आपका एक यूनिट अच्छे से हो पाएगा, वो भी शायद एक ही रिविज़न के साथ। तो थोड़ा सा अभी कमर कसने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम एक्चुअल में हमारे पास कम है। और इसके साथ साथ मैं एक और अनाउंसमेंट ये करना चाहूँगी कि जैसे मेरे हर अल्टरनेट डे पे वीडियोस आते थे, स्टडी व्लॉग्स आते थे, वो अभी मैं तभी अपलोड करूँगी जब मुझे वीडियोस जो है वो बनाने का टाइम मिलेगा। एक्चुअली व्लॉग बनाना ईजी है, जब मैं पढ़ रही हूँ तो कैमरा ऑन कर दो बस, लेकिन उसके बाद जो एडिटिंग का काम हो गया या ऑडियो रिकॉर्डिंग का काम हो गया, फिर उसको यूट्यूब पर अपलोड करना है, उसका थंबनेल बनाना है, तो इसमें टाइम लग जाता है और अभी हमारे पास टाइम ही कम है। तो इसलिए मैंने ये अनाउंसमेंट की, अगर जब मुझे सब पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, जब या फिर तबीयत ख़राब हो, या मैं बाहर हूँ, या मेरे पास है टाइम जब मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, तब मैं वीडियो बनाऊँगी और अपलोड करूँगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज़ वी हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट विथ अस, और अभी हम अगर इन्हीं सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करते रहे तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं जो वीडियोस है जब जब पॉसिबल हो तब तब अपलोड करूँगी, और अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ रहे तो वो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं जो टाइम टेबल है वो लेके आऊँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। राम राम।